हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तकालय दिश ग्रेड थर्ड के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड लेके आए हैं। आप लोगों ने अगर पार्ट फर्स्ट व सेकंड नहीं देखा है तो अभी आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ आपको पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे द्वारा बताए गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल रास्तान जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। आप जितना जितना इसको शेयर करोगे वो इतना ही आपके ज्यादा मित्रों को बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर से जैसलमेर झील के मध्यवर्ती पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? तो उदयपुर से जैसलमेर झील के मध्यवर्ती पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट्स आपको बताए गए हैं डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो कितना भाग है? 9%। कौन सा भाग? राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरट का पठार कहाँ स्थित है? तो भोरट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो कौन से भाग में विद्यमान है? मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो सीकर जिले के अरावली, सीकर जिले के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मालखेत की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो आंसर है पिपलित, जो किसके अंदर है? बाड़मेर के अंदर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा है? तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो मध्य अरावली में बसा है? तो आंसर है सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले के अंदर है? आंसर हो जाएगा सिरोही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा किस जिले में स्थित है? तो जरगा किस जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा राजस्थान का क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा अलवर, ओके। 14 क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेवल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं व नलकूपों से होती है? कुओं व नलकूपों से कौन से भाग में होती है? पूर्वी मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु? आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश से मिलती है? तो किस भौगोलिक प्रदेश से मिलती है? आंसर है पूर्वी मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? जो राजस्थान के सुदूर दक्षिण के अंदर कौन सा जिला है? अगर आपको राजस्थान का मैप के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे चैनल के आई बटन पर क्लिक कीजिए और आपको राजस्थान के मैप को किस तरह से लर्न करना है अच्छे तरीके से, वो भी कुछ ही सेकंडों में, ताकि उसका आपको उसे डायरेक्शन और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब पता चल जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। तो राजस्थान का सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ओके। बांसवाड़ा से क्या याद किया था? बांस, ओके। 19 क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग अंतर प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र है? तो कौन सा भाग है? 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 50 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? जो विंध्य पठार है उसके राजस्थान के किस क्षेत्र में विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंदर स्थित है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? जो बनास बेसिन है उसका ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है? मैदानी क्षेत्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? तो किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? पूर्वी मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 जून के दिन कौन सा ऐसा वो जिला है जिसके अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमाएं सर्वाधिक है? किस जिले की? झालावाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? जो मध्य प्रदेश है उसे कौन से सीमा संयुक्त है? झालावाड़। अगर आपने हमारा राजस्थान के जो भी सीमावर्ती इलाकों जो भी सीमावर्ती इलाके हैं कौन कौन से उससे कनेक्टेड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत है, तो उस भूभाग में राज्य के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो उसका पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान को, उसमें कितने 23% भूभाग है जिसके अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% यानी कि 49%। ओके, 39% हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग में है? तो हाड़ौती पठार किस राज्य के किस संभाग में? कोटा के अंदर। इसके अंदर क्या है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ओके, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग है कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि बहुतायत में निकलते हैं? तो किस भूभाग में? दक्षिण पूर्वी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आद्र प्रकार की? किस भौतिक प्रदेश की है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? बाण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो कौन सा अपवाह तंत्र का भाग है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी है? जो अनास, एराव व सोम है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? वो है माही नदी की सहायक नदियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मथाई, मथाई नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? जो हैंगिंग ब्रिज है राजस्थान के अंदर कहां पर बनाया गया है? वो है चंबल नदी में, और ये कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? ऐसे राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो आंसर हो जाएगा चूरू एंड बीकानेर। जो चूरू और बीकानेर जो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह लूनी नदी से किस ओर से मिलती है? तो किस ओर से मिलती है? बाई ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकल, सेई, हतमती, मेसवा, वेत्रक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह है साबरमती की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दो श्रृंखलाओं से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों का जो ज्यादा से ज्यादा नदियां राजस्थान के दो पर्वत श्रृंखलाओं से प्रवाहित होती है, कौन कौन से? अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के अंदर जो फोई सागर झील है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो फोई सागर झील का निर्माण किस नदी के अंदर हुआ है? वो है बांडी नदी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो झालावाड़ जिले में जो उजाड़ नदी उस पर निर्मित बांध कौन सा है? भीमसागर बांध। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ एवं कांठल की गंगा कहा जाता है? तो बागड़ एवं कांठल की गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को। नेक्स्ट, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60% में। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है,
राज्य के किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो राज्य के किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए, वो है चंबल नदी के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।